एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फिर भी क्या प्लीज। सडनली एक ऐसी फिल्म है जो मैंने बहुत बहुत दिल से बनाई है, इट्स अ क्लासिक लव स्टोरी। सिर्फ इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मैं आप सबके दिल में इस स्टोरी को स्क्रिप्ट को पहुंचा पाऊं। एक डायलॉग है, कभी पति पत्नी बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी अनजाने बनकर, पर आखिर में मिलते जरूर है। नहीं मिलेंगे तो कहानी खत्म कैसे होगी? तो दिस ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सोलमेट और कैसे हम अपने सोलमेट के साथ अपना प्यार और गहरा बनाते हैं। तो प्लीज 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 यू सपोर्ट अस एंड सपोर्ट द म्यूजिक फॉर द फिल्म एंड इट्स रिलीजिंग ऑन 12th ऑफ फेब। I would like to call the beautiful couple of this film, Yami Gautam and Preeti Samrat. Yes, yes. Please give them applause. Yes, yes. इस फिल्म की और details आपको मालूम पड़ने वाली है, लेकिन मेरी जनरल I'd like you guys to please head to the lower stage. Thank you so much for joining us. She's got a virgin hero, that's why. That's why.
we had to find out the location. Please not talking. My mic is broken. No, I think एज अ इंडियन फिल्म मेकर मैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मैं करूँ और मोस्ट ऑफ लोकेशन जो आप मेरे ट्रेलर में देख रहे हो वो एक्चुअली इंडिया है जी, नहीं चाइना नहीं है, वो इंडिया है. और इंडिया में इतनी खूबसूरत जगहें हैं. देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड काल्पा जो कि शिमला से 8 घंटे आगे है, वहाँ मैंने शूट किया है, लद्दाख में शूट किया है, शिमला में शूट किया है, बॉम्बे में शूट किया है. सो आई थिंक यू नो थ्रू फिल्म मेकिंग अगर थोड़ा बहुत एफर्ट हम डालकर अगर एज एन इंडियन मैं अपने कंट्री को प्रमोट कर पाऊँ तो आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री आई थिंक वुड बी फुलफिल्ड. I think 7 songs are there in Sanam Re and 8 songs. Okay, he's a music man. So 8 songs, 8 gaane hai picture mein, but picture ek classic love story hai. You too. One. तो पिक्चर एक क्लासिक लव स्टोरी है और यारियां से बहुत हटके है और आई थिंक यही एक्साइटमेंट है बिकॉज यू नो इट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट रूट और यारियां वाज फिल्ड विद फन फ्रॉलिक और इसमें मैंने प्यार की गहराई को बहुत समझने की कोशिश की है थ्रू दिस फिल्म. एंड इट्स अबाउट सोलमेट्स और कैसे हम अपने लाइफ टाइम में अपने सोलमेट से मिलते हैं और अपना प्यार और गहरा बनाते हैं. यामी एंड पुलकित, व्हाट सिजलिंग केमिस्ट्री दैट वी सॉ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट्स सो अनडायरेक्टेड. नो बट टेल अस हाउ कंफर्टेबल वर यू गाइस, यू नो, व्हाइल शूटिंग फॉर इट. We worked briefly before coming on board for Sanam Re. So we kind of like knew each other. We went to a chemistry lab, learned some formulas. I think the beauty lies in the writing. We all just ease with each other, yeah. And the entire team. ऐसा लगता है कि मतलब ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, but there's an entire team working behind it. And it was all the beauty lies in the writing and in the director who's captured it. So it's absolutely a team work. Yeah, it took hours to light her. मैं अच्छा दिख रहा था अपना light. But Yami and Pulkit, during the making there were many stories that said that you guys were dating each other. How true was that? Sir, कहाँ से कहाँ तक sir? क्या sir? इतना खुशी का माहौल है, क्या करें? यार मैंने तो ये भी सुना था, कितने सारे रूमर्स थे बेचारे, मैगी में लेड है, इसमें ये है, इसमें वो, इतने रूमर्स आते हैं यार. उन रूमर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. मैगी कैसी लगती है? But Pulkit, when we spoke to Shweta, she said we should ask you whether you are dating Yami or not. So what is the real thing? Yaar, of course not dating. Sorry. देखिए, आई एम नॉट डेटिंग एनीबडी. इनका मुझे पता नहीं, आर यू डेटिंग एनीबडी यामी? आज जवाब दे दो. आर यू डेटिंग समबडी? नो, वन सेकंड. आई थिंक जोक्स अपार्ट, एक पिक्चर जो है एक दो साल के मेहनत के बाद, 100-200 लोगों की मेहनत के बाद बनती है. एंड ऐसे मौके, ऐसे मंच पर हम लोग आए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए टू सेलिब्रेट एंड शेयर इट विद यू ऑल इन सच अ मैनर. ऐसा कभी भी नहीं हुआ, नेवर बीन अ पार्ट ऑफ सच अ लॉन्च. आई थिंक इट डजंट डिजर्व टू बी ओवरशैडोड बाय समबडीज बाय सच क्वेश्चंस. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनीथिंग. आई थिंक राइट नाउ वी शुड जस्ट टॉक अबाउट Sanam Re. आई रियली, वी गॉट अ फैब रिस्पॉन्स इन 2 days. वी गॉट 2 million व्यूज ऑन यूट्यूब. आई थिंक दैट्स समथिंग. वो नहीं पूछा. अरिजीत के कॉन्सर्ट में आके तुम हमें गाना गाने का बोल रहे हो? लाइन तो गुनगुना सकते हैं. एग्जैक्टली. देखिए, ये बहुत अच्छा गाती हैं, जगजीत सिंह जी की आवाज में गाती हैं. या यामी, कम ऑन, यू कैन सिंग अ सॉन्ग. आपको पता नहीं चलेगा अरिजीत सिंह गा रहे हैं कि ये. यू वांट अस टू स्क्रीम फॉर यू? या या प्लीज. यस प्लीज, कम ऑन एवरीबॉडी, स्क्रीम फॉर यामी. कम ऑन यामी, कम ऑन, यू हैव टू डू इट राइट नाउ. ओके, यू वांट टू जॉइन इन? या या, यस यस, ऑफ कोर्स. यस. अरे हमिंग किधर गई? लिसन, दिस इज सिग्नेचर. दैट्स हर वॉइस. दिस आगे भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, होले होले दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं.
सनम रे कम ऑन एवरीबॉडी सिंग विद अस यार गाना सुना जरा सबने सनम रे पता नहीं वो लोग कम्पीट भी क्यों कर रहे हैं उसके साथ जीतना तो वही वाली है जो दो बार मिस इंडिया बन सकती है मिस यूनिवर्स बन जाएगी क्या कमाल है Agreed, absolutely. Pulkit, you're a big fan of Salman Khan. Would you like to show the film to Salman as well and take his reaction? Of course, why not? We've got a fab reaction to the trailer as well. And I think everybody will love the film equally. And we'll be more than happy to show him the film once the film is ready totally. He is very close to all of us. So we'll make sure that he watches the film. Abdul, a question for you. When you're going through a tough time personally, is it difficult to maintain like a cheerful self on a public No, yeah, just keep working. Just keep working. There's nothing more tough than working on the set with with a certain goal in your head. I think हमने जिन conditions में हमने shoot किया है हमने जैसे ये jacket मैंने पहन रखी है ऐसी चार और jacket पहन के हमने 46 degrees में shoot किया है और ऐसे हमने -9 degrees में shoot किया है तो those were the tough conditions for us and I think that overtook everything else just keep working that's the best launch ke bare mein kya aap kehna chahenge kafi anokha type ka ye launch tha to iski new kaise rakhiyega main bahut thankful hu flint group entertainment ko because hamara gana aaj 30,000 crowd ke samne perform hua hai so it's a big thing aur itna acha response mila aur aap sab itne excitedly sanam re ka title track ga rahe ho so thank you all so much divya what's your future plan matlab aage chal ke aap kaise isko aur promote karne wale ho since the valentine just special release hai Boss, you know, yeah, the guru, the man behind T-Series, Mr. Bhushan Kumar. So you should ask him all the promotional plans. so can we see a nice romance happening between Divya and Bhushan, you know, just for the promotion of this film? Of course, why not? promotion ke liye kyun? Bina promotion kya hoga? Aapne inka Instagram nahi dekha kya? Dekhiye aap uspe. Yami, you have done this really. Yeah, they are the most romantic couple. Aisa lagta nahi hai. Yami, you've done some really nice love stories. Whether it was Badlapur or Ricky Donor or this one. So when it comes to real life romance, why are people so conscious for accepting it? What do you think is the reason? I think because it's a very private thing. I think like me as a person also when it comes to romance, when whoever I'll date, I think it's something a very private part, you know, of your life and you want to share it with the people, you know, your loved ones. But as far as jo apne love story ki baat kahi hai, this is my first out and out love story, which I'll say. It's a pure love story. Of course, Badlapur was also a different kind of a love story. Vicky Rona was entirely something else. But this is an out and out love story and I'm extremely proud of it. Thank you so much for this response. Thank you guys. Thank you everybody. Thank you so much. किरदारों के बारे में जानना चाहिए ओके मैं इनके किरदार के बारे में बताता हूँ ये मेरे किरदार एक साल काम किया है यार तो इनका किरदार है श्रुति और बहुत ही प्यारी सी लड़की है फिल्म में मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ पहले बता रहा हूँ प्यारी बोला मतलब फिल्म में प्यारी है वैसे बहुत नकचड़ी है खड़ूस है पहली मीटिंग भी हमारी बहुत खड़ूस स्टाइल में हुई थी तो बहुत ही प्यारी लड़की है बहुत ही दिल खोल के खुश रहने वाली लड़की है किसी भी कंडीशन में या कहीं पे भी ये जाएगी वहाँ पे खुशी फैला देगी एंड शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ लेयर्स इनटू हर एंड आई थिंक ये किसी भी एक मायूस इंसान को जिसको जिया नहीं आता है जो ज़िंदगी में एक बोरिंग लाइफ बिता रहा होता है शी हैज़ दैट मैजिक वॉन्ड शी इज़ द मैजिक वर्ड आप बोलेंगे श्रुति और मैजिक मैन इनके किरदार का नाम है आकाश और जितना कुछ इन्होंने श्रुति के बारे में इतना खूबसूरती से बोला है कि वो खूबसूरत लड़की है उनके पास मैजिक वॉन्ड है वो मैजिक वॉन्ड है आकाश के पास तो दैट्स द केमिस्ट्री सो दैट्स द टोटल सेंस ऑफ लव स्टोरी बिटवीन देम मिट्टू बॉस के बाद आपकी एक्टिंग बेस्ड फिल्में देखने को नहीं मिली हल्की फुल्की रोमांटिक स्टोरीज करते हैं आप जो आपके स्क्रिप्ट ऑफर होती है वो आप अपनी फैमिली में फ्रेंड्स सलमान भाई से भी डिस्कस करते हैं नहीं नहीं किसी से डिस्कस नहीं करता यार अब मैं सिर्फ जो मुझे पसंद आता है जो स्क्रिप्ट के अच्छा लगता है वो वाली स्क्रिप्ट पे हाँ करता हूँ
कभी आपको लगता नहीं कि मैसेज बेस्ड फिल्म मुझे आपको करनी चाहिए कि जो जिसका एक अच्छा मैसेज जाए सोसाइटी? अभी कर रहे हैं ना सनम रे। सनम रे में बहुत प्यार मैसेज। क्या मैसेज? प्यार ही प्यार मिला। अच्छा, आप देखिए फिल्म देखेंगे। द मूवी इज रिलीजिंग ऑन वैलेंटाइन्स डे। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट वैलेंटाइन्स? वुड यू बी स्पेंडिंग इट अलोन और विद अ स्पेशल समवन? I think I'll be spending it with Yami, Divya, Bhushan ji, Vinod ji, Ajay ji. We all will be spending the Valentine's together. Do not edit after Divya ji. Do you believe in love after marriage? पता नहीं यार, लव तो कभी भी हो सकता है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, लव इज लव। But Pulkit still believe in I believe in the institution of love. I think love is more important than anything else. But any possibility of any reconciliation with Shweta? यार ये तो हम दोनों ने भी डिस्कस किया, अभी तक तुम्हें बता दूंगा। Thank you. Please अपने अपने रूम ले लो।